हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रियांशी, गुड मॉर्निंग शेश्वरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से आगे आपको प्रोसीड करना होगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो एक ऑप्शनल को लेके, सो ऑप्शनल जो है सस्ते में इसको नहीं ले सकते हो, 500 मार्क्स की ये बात होती है। एंड अगर आपका रैंकिंग बनेगा, क्योंकि देखिए इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपका रैंकिंग किस हिसाब से आएगा वो आपके मेंस के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड मेंस में भी वो आपके ऑप्शनल की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी में एवरेज मार्क्स की हर स्टूडेंट का जो एवरेज निकाले वो 260 के आसपास होता है। मीन्स कि अगर आपने जितना भी मेहनत किया है उसके अकॉर्डिंग आपको 260 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मेजर अगर आप हाइएस्ट जो लिमिट है उस तक अगर जाओ, तो हाईएस्ट लिमिट अभी तक जो है वो आए हैं, यू कैन सी लक्ष्मी एन जो है इनका रैंक था 45 एंड इनके जो एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स आए थे 362। सो आउट ऑफ 500 अगर 362 मार्क्स आ रहे, और इसी की वजह से ही इनका रैंक आया था 45। क्यों? क्योंकि चाहे आपका जीएस में पकड़ कितनी भी क्यों ना हो, किसी भी तरीके से आपने किया हो, आपका जो एवरेज है वो 100 के आसपास ही रहता है। उस ये नहीं है कि आप GS4 में इतनी पकड़ है कि उसमें आपके 250 में से 200 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, एवरेज रहता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स जो है एग्जामिनर वो अपने हाथ से निकालते नहीं है, सो वो एक मेजर रीज़न इसमें रहता है। दूसरा क्या हो जाता है, हाँ जी थोड़ा जल्दी आ जाइए, सो दूसरा क्या होता है कि ऑप्शनल में अगर आपने 300 प्लस अगर स्कोर कर लिया, तो इट मीन्स आप जो है हाई साइड में आ जाते हो कि फिर आपका रैंकिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एंथ्रोपोलॉजी में क्यों है इजी इन मार्क्स को अचीव करना, पहले मैं इनकी आपको स्टोरी बता देती हूँ। ये पहले इन्होंने क्या किया था, पहले इनका ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, ठीक है, देन इन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका उसमें मार्क्स नहीं बन पा रहा था, क्योंकि सोशियोलॉजी भी एक छोटा ही, उसका भी सिलेबस छोटा ही है जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी का है, बट उसमें सोशल थ्योरीज या ये सब चीज़ें हो जाती है, तो हर एक पर्सन का इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। तो क्या हो जाता है कि कभी कभी आप फिलोसफिकल चीज़ों में नहीं आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। दूसरा, वहाँ पे मार्क्स को खींच पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि आप जो स्टोरी लिख रहे हो, जिस तरीके से आप बना रहे हो, तो एग्जामिनर को लग नहीं रहा है कि कुछ आपने लिख के दिया है। तो देखिए, प्रोज एंड कॉन्स तो हर सब्जेक्ट के होते हैं, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये देखना होगा कि आपका एप्टीट्यूड या आपकी अप्रोच क्या उसको सूटेबल है या नहीं है, सो उसके ऊपर जो है ये डिपेंड हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी में बेसिक क्या होता है कि यहाँ पे सोशो कल्चर पार्ट है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसमें वो सोशियोलॉजी वाला पार्ट भी आ जाता है 33%। इसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है तो इसमें वो बायो वाला पार्ट भी आ जाता है 24%। इसमें ट्राइबल इंडिया भी है, इसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी है, जो इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट आ जाता है, तो वो भी इसमें एक मेजर चंक जो है वो भी बनते हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको बोर कर देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको वो सब चीज़ें जो हैं एक ही होलसम में मिल जाएंगी, उन्हीं में आप जो है उसको कनेक्ट करके चल सकते हो। सो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने अपना ऑप्शनल जो है जस्ट प्रीलिम से पहले इनको ये हुआ कि शी नीड टू चेंज हर ऑप्शनल, तो इन्होंने अपना ऑप्शनल चेंज किया एंड इन्होंने ड्यूरिंग दैट टेन्योर प्रीलिम से पहले पेपर वन कम्प्लीट कर लिया, बट फिर भी इनका पेपर टू पेंडिंग था। इन्होंने प्रीलिम क्लियर करने के बाद जो टाइम पीरियड है जिसमें प्री और मेंस का आप प्रिपरेशन करते हो, उसी में इन्होंने अपना पेपर टू कंप्लीट किया एंड देन ओनली शी अचीव 362 मार्क्स। सो इट मींस ये डिपेंड करता है एक पर्सन की मेहनत के ऊपर, उसके कैलिबर के ऊपर, उसके एप्टीट्यूड और उसकी अप्रोच के ऊपर, तो वो अपनी लिमिट को कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, बट आपको वो सब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आपको मैं आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही नोट्स बना के दूंगी, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप नोट्स कहानी की तरह पढ़ोगे एंड फिर आप जो है उसमें से आंसर निकालोगे। मैं आपको प्रॉपर नोट्स मैं आपको दिखा दूंगी, प्रॉपर यूनिट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, हर नोट में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, हर नोट में जेनरिक आपको कंक्लूजन मिलेगा, जेनरिक इंट्रोडक्शन होगा, जेनरिक कंक्लूजन होगा, सो ये आपका जेनरिक रहने वाला है। इट मीन्स उस रिलेटेड टॉपिक से आप उस इंट्रो और कंक्लूजन को डाल सकते हो, तो आपको पहले से कुछ भी ऐसे सोच के कुछ भी बना के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला तो हो गया ये। दूसरा, एंथ्रोपोलॉजी की सबसे बड़ी एडवांटेज मैं अगर बोलूं,
एक तो ये सिलेबस छोटा है, दूसरा सिलेबस में डाइवर्सिफिकेशन है कि एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, पांच अलग अलग तरीके आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही इसमें अगर आप देखो तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वन लाइनर आते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, आप बकायदा यूपीएससी का पेपर डाउनलोड करके देखना और उसमें देखना वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके नोट्स में है वही पूछा गया है, वही आपको आंसर की फॉर्म में मैंने बना के दिया, आपको वही डाल देना है। साथ ही साथ आपको केस स्टडीज मिलेंगी, आपको डायग्राम्स मिलेंगे, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर वेपन है तो वो है हेडिंग, सब हेडिंग एंड डायग्राम, एंड उसी तरीके से मैं आपको जो है करवाने वाली हूँ। तो आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ एक ही प्रॉमिस करना है दैट यू विल डू द हार्ड वर्क। उसके बाद याद कैसे करवाना है मैं क्लास में ही याद करवा के भेजूंगी, उसके बाद किस तरीके से आंसर बनवाना है वो मैं क्लास में आपको आंसर सिखाऊंगी एंड आंसर राइटिंग करवाऊंगी, एंड फिर आपका एक सेक्शन कंप्लीट होगा, एक सेक्शन के बाद आपका जो है टेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरा पहले का भी बैच चलता ख़त्म हुआ है, उसी तरीके से अब आपका भी ऐसे ही प्रोसीड करेगा। तो जिस दिन आपका मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो मेरा कहने का नहीं होगा, आप इससे भी पहले जो बैच गया उससे भी पूछ सकते हो, उनका वो सब सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड बन के गया है और वो प्रॉपर उसी तरीके से ख़त्म हो गया है। मैं ऐसे भी नहीं करवाती हूँ कि आप डेली आए जा रही हूँ क्लास में करवाए जा रही हूँ, मैं प्रॉपर यूनिट बताती हूँ किस पेपर की किस यूनिट से मैं आज ये करवा रही हूँ, एंड वो उसी तरीके से प्रोसीजर वाइज चलता है। सो इनकी स्टोरी आपने जान ली, उससे पहले आप ये देख लीजिए सो दैट कि आपको लगे कि कितने कितने मार्क्स और कितना कितना। देखिए शुभम कुमार एयर वन, इनका भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था 320। एंथ्रोपोलॉजी में एवरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा ने लिया है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, बस लिया और पढ़ लिया, तो भी एवरेज उनका 260 के आसपास बनता ही बनता है। अदरवाइज बाकी के सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल में आप देखोगे ना 150, 200 सिर्फ इतने ही बन पाते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत और टाइम देने के बाद। बट ये ऑप्शनल में जो है, आप देखिए ये नहीं मैं बोलूँगी कि कम टाइम देना है, कम सिलेबस है तो कम टाइम ही लगेगा, उस टाइम को आप अपने जीएस में यूटिलाइज कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो मिथ बना रखा है ना कि इसकी ओवरलैपिंग नहीं होती, ये इसमें साइंस ही भरी हुई है, वो भी अभी आप जो है देखने वाले हो। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन शुभम कुमार एयर वन रहा है, लक्ष्मी नागपन अभी हमने इनका देखा 362 हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, तो मैंने अपने पहले वाले बैच को भी टारगेट दिया हुआ है 363 मार्क्स का, एंड इस वाले बैच को भी मैं यही टारगेट दूंगी कि 363 कोई अगर ले लेता है तो वही है कि गुरु दक्षिणा मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट आयुष सिन्हा जो है एयर 2017 में 350 मार्क्स इनका रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टॉपर्स की या जो फर्स्ट रैंकिंग में आते हैं उनकी पहली पसंद क्या रहती है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप वापस से देख लीजिए कि जो हाईएस्ट रैंकिंग पे रहे हैं उनका ऑप्शनल जो है ये एंथ्रोपोलॉजी ही रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये स्कोरिंग है। अब ये देख लीजिए आप अपने सामने सिलेबस, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अगर आपको कुछ करना है तो उससे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। उसी के हिसाब से अगर आप देखो तो एंथ्रोपोलॉजी के आपको पता है पेपर वन है पेपर टू है, सो उसमें पेपर वन में यू कैन सी दीज यूनिट्स, तो 12 तक यूनिट है पेपर वन में। अब मैं बता देती हूँ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है कैसे। जो पहली तीन यूनिट है ये आपका आती है सोशो कल्चर पार्ट में, सोशो कल्चर पार्ट मीन्स की समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द कल्चरल एंड द सोसाइटी, ठीक है। सो ये आपका आ जाता है 3 यूनिट पेपर वन में रिलेटेड टू द सोशो कल्चर। उसके बाद आपकी ये जो मिथ बना रखा है ना कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या कि बंदर पढ़ने पड़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी क्या कि वो स्कल पढ़ना पड़ेगा, तो जस्ट ये वाली यूनिट है 1.6 एंड 1.5 दो यूनिट का मतलब क्या कि टोटल आपको 10 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे जो कि है रिलेटेड टू द स्कल, एंड वो भी मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी जो कि आप पहले वाले बैच के बच्चों से भी पूछ सकते हो। अब वो ऐसे हो चुके हैं बच्चे कि मैंने उनको ऐसे ट्रेन कर दिया है कि अभी वो किसी का अगर फेस देखते हैं ना तो फेस देख के वो पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि इसका सेगिटल क्रस्ट है क्या, इसके अगर मान लीजिए टिथ है तो टिथ के बीच में कितना डिफरेंस है, तो डायस्टेमा है क्या। तो मैंने उनको ऐसे ट्रेन कर दिया है, इवन आप चलते चलते भी उनसे पूछोगे ना तो वो किसी पर्सन को सामने खड़े करके उनका पूरा आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बता देंगे कि वो है कैसा, ठीक है। सो इस वजह से आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है 1.7 यूनिट, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ लाइफ से है,
तो ये जो यूनिट है बेसिस ऑफ लाइफ 1.7, ये कंप्लीट आपका वही है जो कि आपका साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 में एंड आपका नॉर्मल प्रीलिम में आएगा जनरल साइंस, तो ये उसी का पार्ट है आपका। तो जो आपका साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 में है और जो आपका जनरल साइंस है प्रीलिम के लिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने या करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रही हूँ एंड उसी तरीके से आपको भी फिर ट्रस्ट करके चलना होगा। साथ ही साथ ये क्या है, 1.8 यूनिट इसका ओवरलैपिंग रहता है आपके एंशियंट इंडिया के साथ, जो कि आपका जीएस पेपर 1 में आता है एंड आपका प्रीलिम में आता है। तो इसका मैं बोल सकती हूँ इसका कोई ओवरलैपिंग नहीं है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। इसका इस यूनिट का कोई ओवरलैपिंग नहीं है क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल, अब आप बोल सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजी अपना तो कुछ दिखाएगा ना, तो ये उससे रिलेटेड है। दिस हैज़ एन ओवरलैपिंग विद द जीएस पेपर 3, उसके बाद ये जीएस पेपर 1 के साथ इसका ओवरलैपिंग है, उसके बाद ये जो पोर्शन आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द कल्चर, बिल्कुल बेसिक है। सोसाइटी क्या है, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल, इन दो का आ जाता है आपके जीएस पेपर के साथ, रिलीजन। सो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें जो कॉमन आपकी रिलेटेड है टू द सोसाइटी तो वही रहने वाली हैं, ठीक है। सो ये उस तरीके से सिंप्लीफाई मैंने आपको करके बता दिया है। इसके साथ ही मैं अभी आपको नेक्स्ट भी बताने वाली हूँ। ये जो आपका 9 यूनिट से लेके 12 यूनिट तक है, दिस इज रिलेटेड टू द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये आपका बिल्कुल कॉमन है जिसमें कि हम क्रोमोसोमल एबिरेशन, जो कि नॉर्मल आप म्यूटेशन की आपने बात करी है, सो म्यूटेशन दैट इज रिलेटेड टू द जीएस पेपर 3 ओनली, ठीक है। सो वही नॉर्मल चीज़ें होने वाली है। एप्लीकेशन आप एंथ्रोपोलॉजी की कहाँ कर सकते हो, यूजुअली क्या होती है, स्पोर्ट्स में इसकी एप्लीकेशन रहती है। स्पोर्ट्स में कैसे, आपको पता होना चाहिए कि किस वेट और किस हाइट का, मीन्स किस फिजिकल स्ट्रक्चर का पर्सन किस स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। सो वो जो कॉमन चीज़ें हैं, या फिर कैसी बॉडी बिल्ट रहेगी तो वो किस स्पोर्ट्स के लिए जो है सुटेबल रहने वाला है, तो वो सब चीज़ें जो है हम इसमें करने वाले हैं। एग्जैक्टली, फॉर द डिफेंस ऑल्सो। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2। सो एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 जो है इसका आपके पेपर इंडियन सोसाइटी के साथ ओवरलैपिंग रहता है। अब यूजुअली क्या करते हैं, सब बोलते हैं कि ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, बट यूजुअली फिर भी उनको क्या करना पड़ता है, फिर भी उन्हें जीएस की क्लासेस लेनी पड़ती है। बट आप मेरे पहले के बैच वालों से पूछिए, उन्होंने एक भी इंडियन सोसाइटी की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, इसीलिए नहीं क्योंकि वो ग्लोरीफाई करना चाहते थे, इसीलिए क्योंकि उनको आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सब टॉपिक्स जो हैं मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी। क्यों, क्योंकि उसमें आपने यही पढ़ा, उसमें आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, याद करिए, उसमें आपने गुहा एंड रिसले का क्लासिफिकेशन आपके मैम ने करवाया होगा। एग्जैक्टली, वो उसी उससे अच्छा वो उधर कर चुके थे, क्यों, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है, साथ ही साथ रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब, ठीक है, वो ऑलरेडी वो कर चुके थे, तो उन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि उनका वहाँ वो कवर हो चुका है। सो इस वजह से टाइम सेविंग हुआ है। आप ये देखिए, डेली डेली उनका ढाई ढाई घंटे का जो टाइम सेविंग हुआ है उसमें एज उनको मिली होगी। क्यों, क्योंकि इतने में उन्होंने बाकी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। इसी तरीके से अब ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज रिलेटेड टू दी, ये वाला जो पोर्शन है जो फर्स्ट आपको यूनिट दिखाई दे रही है, तो सिलेबस ये मैं जैसे ही आपके साथ फॉर्मली मेरा कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्रुप। यूजुअली मैं ऐसे ही करती हूँ। सो ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो उस ग्रुप में मैं जो भी पीपीटीज़ यहाँ पे करवाती हूँ, मीन्स ये जो आपको सिलेबस वगैरह दिया है ये, एंड नॉर्मल अगर उसमें कोई अगर न्यूज़ आ गई है कुछ रिलेटेड, कोई एग्जांपल आ गया है, कोई केस स्टडी आ गई है, कोई अदर पिक्चर्स है, अभी आपको पता चलेगा कल्चर रिलेटेड मैं करवा रही हूँ, तो वो सब चीज़ें जो हैं उसी के साथ हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ कैसे किसी आंसर को अप्रोच करना है, किसी आंसर को डिस्कस करना है, तो वो सब भी जो है उसी के थ्रू होने वाला है, ठीक है। सो जैसे ही हमारा फॉर्मलाइजेशन होता है तो हम वैसे ही वो अपना ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। सो ये जो फर्स्ट 3 यूनिट दिखाई दे रही है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी एंशियंट इंडिया, सो उसमें आपका ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। उसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन विलेजेस हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म हो गया, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ मंदिर, या फिर आपका जो भी भावना जुड़ी होती है, या टोटेमिज्म बेसिकली होता था कि पहले वो क्या करते थे, पहले वो जो ट्राइब्स होती थी वो किसी पेड़ को पूजते थे, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड टोटेमिज्म, कि उसको वो टोटेम मानते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें उनकी सेक्रेडनेस छुपी हुई है। सो वो बेसिकली होता था, दैट इज़ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सो इसमें हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका
ट्राइबल इंडिया. सो दिस इज रिलेटेड टू द ट्राइबल इंडिया. ट्राइबल इंडिया ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हो जाएगा आप सबके लिए. क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप अगर बात करें तो प्रीलिम्स में ट्राइब्स जो हैं, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम और यूपीएससी का आईएएस का प्रीलिम साथ में होता है, इस वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया है. इन्वायरमेंट को वेटेज दिया, साथ ही साथ ट्राइब्स को भी बहुत वेटेज दे दिया है. तो दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं, और वो ऐसे आते हैं कि कोई नहीं कर पाता है उसको. बट आप ट्राइब्स को बहुत डीप से पढ़ोगे, ठीक है, ये नहीं है कि किस एरिया में कौन सी ट्राइब है, ये तो इम्पोर्टेंट होता भी नहीं है, ये आता भी नहीं है. बट उनका कैसा तरीका है रहने का, क्या क्या चीज़ें उनको फील हो रही हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को आप पढ़ोगे तो आपको एज मिल जाएगी बाकी सबसे, क्योंकि वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे. वो दूसरे स्टूडेंट के लिए ये ऐसा हो जाएगा कि ये कहाँ से आया है क्वेश्चन, तो वो भी आपको एज मिल जाएगी. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल हम जो है इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके चल सकते हैं. सोशो कल्चर पार्ट, ठीक है, जो ये आपका सोशो कल्चर पार्ट है ये आपका आता है कितना, 33%, ठीक है, पेपर वन में हमने ये देखा. उसके बाद आता है फिजिकल पार्ट. फिजिकल पार्ट भी किसका पार्ट था, पेपर वन का, ठीक है, कितना आता है ये, 24%. उसके बाद आता है आपका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या है, पेपर टू, ठीक है, इट इज़ 19%. फिर आता है आपका आर्कियोलॉजी, ये कितना है, पेपर टू का पार्ट है, 3 यूनिट एंड 1 यूनिट है पेपर वन की, ये है 5%. एंड फिर आपका आता है ट्राइबल इंडिया, दैट इज़ 19%. तो ऐसे आपका जो है सिलेबस कवर होता है, तो आपको मोनोटनी नहीं आएगी बिल्कुल. क्यों? क्योंकि आप 5 डिफरेंट चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो बैलेंस बन जाता है एंड बहुत सारी चीज़ों को आप कवर कर रहे हो, ठीक है. आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी रहेगा. सो बेसिक 4 फील्ड बोली जाती है एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, वो तो हम चलिए आगे पढ़ने ही वाले हैं. मैं आपको बता देती हूँ मिथ्स क्या है, साइंटिफिक सब्जेक्ट, आप बता दीजिए है क्या. 5 सब्जेक्ट्स है इसमें, साइंटिफिक वाला सिर्फ 24% है, तो कंप्लीट नहीं है ये, और वो भी वो साइंस है जो कि आपका जीएस पेपर में कंप्लीट हो जाती है, जीएस पेपर 3 में. कॉम्प्लिकेटेड है, फैक्चुअल सब्जेक्ट है. कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपने सिलेबस देखा है. सोसाइटी, कल्चर, फैमिली, मैरिज, इनमें फैक्ट्स क्या होंगे? आप ये थोड़ी पढ़ने वाले हो कि यहाँ पे इतनी मैरिजेज होती हैं, इनके घर में इतनी मैरिजेज है, इनके घर में इतने चाइल्ड है, किनशिप है, इतने रिलेटिव्स है, ये नहीं करने वाले हो आप, ठीक है. सो ये फैक्चुअल या कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है. दूसरा, ओवरलैपिंग नहीं है, इसकी आपने खुद से देख लिया है, आपके सामने है. नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैच दी मार्क्स. तो ये तो मिथ ही बना रखा है, सो दैट कि जो एंथ्रोपोलॉजी इस टाइम पे इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं देखना ये सब्जेक्ट अच्छा है या वो, मैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि आपको मार्क्स मिल रहे हैं ड्यू टू दी लेस सिलेबस, जीएस को ज़्यादा टाइम दे सकते हो और उसी में आप हेडिंग सब हेडिंग से मार्क्स लेके आ सकते हो. तो जब आपका हो काम ये हो रहा है तो आप तो वही सब्जेक्ट को चूज़ करोगे, इस वजह से आपको इन सब चीज़ों या इन सब मिथ के बारे में तो सोचने की ज़रूरत है ही नहीं. नेक्स्ट बात आ जाती है क्या, कि ओवरलैपिंग, ये आपने देख लिया, मैं बार बार नहीं बताऊँगी, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूँगी, बस आप देख लेना. एडवांटेजेस क्या है, सिलेबस छोटा है, डाइवर्सिफिकेशन है, आंसर एकदम डायरेक्ट आते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ऑलरेडी पता है. नेक्स्ट, अब मैं बता देती हूँ हम कैसे करने वाले हैं. कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 3.5 महीने. जब मैं बोल रही हूँ 3.5 महीने, इट मीन 3.5 महीने ही, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है कि डेली ना मैं आपको पर यूनिट, जो यूनिट करवा रही हूँ उसका, उसी के हिसाब से आपको प्रिंटेड नोट्स मिला करेगा, ठीक है. उस पर लिखा होगा कौन सी यूनिट है, कौन से पेपर की है. एक हेड को हम एक बार उठाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है 5 हेड है हमारे पास. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सोशो कल्चर से स्टार्ट करेंगे. जब हमारा सोशो कल्चर हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम करेंगे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, फिर हम करेंगे ट्राइबल इंडिया, फिर हम करेंगे 4th नंबर पे फिजिकल एंड 5th नंबर पे हम करेंगे इंडियन आर्कियोलॉजी. तो ऐसे हमारा साइकिल चलने वाला है, पहले सोशो होगा, फिर इंडियन होगा, फिर ट्राइबल होगा, फिर फिजिकल होगा एंड फिर इंडियन आर्कियोलॉजी होगा. इस साइकिल में हम इस तरीके से चलने वाले हैं. सो इस वजह से सोशो कल्चर में अब जितनी भी यूनिट आती है, जो कि अभी आपने देखा, वो सारी यूनिट एक बार में कंप्लीट होगी. उसके बाद हम इंडियन पे शिफ्ट करेंगे, फिर इंडियन की सारी यूनिट कंप्लीट होगी. तो इस तरीके से होगा, हम रैंडमली ऐसे पेपर वन के फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपना पूरे सीरीज में चलते जाएंगे, पूरा एक
हेड पे एक बार कमांड हो जाएगी, उसका एक बार सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है प्रोसीड करने वाले हैं। तो आपको डेली जो है प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ मैं डिक्टेटेड नोट्स बनवाऊंगी आपके क्लास में ही डिक्टेट करके, सो दैट कि आपको रिविजन के लिए वो ईजी हो जाए, और साथ ही साथ आपको उन डिक्टेटेड नोट्स में मैं आपको डायग्राम्स वगैरह एग्जाम्पल वगैरह भी लिखवाऊंगी, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी बन जाए। तो आप अब आपको करना क्या होगा, सो जो डेली मैंने डिक्टेटेड नोट्स बनवाए हैं जिस पोर्शन से, वो आपको घर जाके डिक्टेटेड नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपको जो आपको प्रिंटेड नोट्स मिले हैं उनमें ये देख लेना है कि क्या इसमें एक्स्ट्रा है, एंड नेक्स्ट डे फिर आपको आके यहाँ पे आंसर लिखना है। तो बर्डन मत लीजिएगा, हम थोड़ा ऐसे प्रोसीजर वाइज चलेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें सेटल होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके माइंड में, तो वो धीरे धीरे होगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, उसके बाद वैल्यू एडिशन मटेरियल ये जो है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, जो मैं ग्रुप आपका बना के दूंगी, तो उससे वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलता रहेगा। PYQ के जो है मॉडल आंसर मिलेंगे, ये भी हमारा ग्रुप के थ्रू ही होगा। सो कोई ऐसा PYQ जिसका आंसर आपको आपके नोट्स से नहीं कवर हो पाया है, वो मैं अलग से आपको फाइल बना के दे देती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में ही उसको मैं आपका जो है अटैच कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 5 सेक्शन है तो उनके 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे, एंड 4 जो है आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही इंक्लूडेड होगा। सो ये कंप्लीट आपका एक कोर्स का पार्ट है, सो ये आपका पूरे इस कोर्स में जो है होने वाला है। सो अब आप मुझे बता दीजिए कि आपने ये पूरा पैटर्न समझ लिया है, आपके मन में कोई डाउट हो, कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी तरीके से, तो आप जो है पूछ सकते हो। अच्छा हाँ, गुड क्वेश्चन। सो वीक में बेसिकली क्या है, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होने वाली है, 2 आवर का हमारा क्लास रहेगा, तो मंडे टू सैटरडे रहने वाला है, ठीक है। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, आप पूछना चाहोगे कुछ? आपको बोलना चाहिए था मैम आपने सब बता दिया है, पूछने को कुछ बचा ही नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन में गुड टू गो। सो अब आपको बेसिकली करना क्या है, सेपरेट नोटबुक आपको लगानी है, एक नोटबुक होगी आपकी सोशियो कल्चर की। फिर अब करना क्या होता है, एक यूनिट आप स्टार्ट करोगे, ऊपर आप लिखोगे यूनिट यूनिट का नेम, देन आपके जितने नोट्स बन जाएंगे उस यूनिट्स के जितने पेजेस की, फिर आपको एक पेज ब्लैंक छोड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है। वो ब्लैंक पेज हम क्यों छोड़ रहे हैं, सो दैट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम उसमें वैल्यू ऐड करेंगे तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है। सो इस तरीके से हम करने वाले हैं। चलिए आप आँख बंद करके अपने भगवान का नाम ले लीजिए, क्योंकि 500 मार्क्स की बात है, ठीक है। मैं अपना यूनिट इतना ओपन कर लेती हूँ। सो हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार मैं आपको एक सेकंड दिखा भी देती हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस यूनिट 2.1 नेचर ऑफ कल्चर, ठीक है। सो ये मैं बता देती हूँ, हम सोशो कल्चर को से स्टार्ट कर रहे हैं। सोशो कल्चर में आती है 1.1, 1.2, 1.3, एंड देन 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये यूनिट आती है। मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको 2.1 नेचर ऑफ कल्चर से, उसके बाद ये कंप्लीट करके लास्ट में हम ये 3 यूनिट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए अब आप लिख लीजिए यूनिट 2.1 नेचर ऑफ कल्चर। यूनिट 2.1 नेचर ऑफ कल्चर।
सो यूनिट 2.1 नेचर ऑफ कल्चर. सो आप एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए. डू यू कंसिडर योर सेल्फ यूनिक इन वट टर्म्स? विल स्टार्ट फ्रॉम यू. नहीं नहीं नहीं, इफ आई एम आस्किंग दैट डू यू कंसिडर योर सेल्फ यूनिक, डोंट थिंक और ट्राई टू रिलेट विद द कल्चर. अभी मैं इस पर नहीं आई हूँ. हाँ जी बताइए. यू वेरी गुड वेरी गुड. ज्योग्राफिकली आई मे बी अडैप्टेड टू, लाइक आई एम फ्रॉम मुंबई सो मे बी अडैप्टेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंपरेचर. सो वेरी गुड. हां जी शिखा वेरी गुड. यू ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव. ओके सो दैट्स व्हाई यू आर यूनिक. वेरी गुड. हां जी जोय, यू आर नॉट यूनिक. ओके अगर गला खराब है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ ध्यान रखो. हाँ जी. सो यू आर यूनिक, सो दैट्स वाई. ओके चलिए. हाँ जी वाई यू आर यूनिक. एग्जैक्टली. सो यू आर बेसिकली इंट्रोवर्ट, दैट्स वाई. सो इन आर अर्लियर बैच वी हैव वन पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट एंड ऑल्सो इन दिस बैच वी गॉट वन पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट. हाँ जी इन दी ऑनलाइन. सो बेसिकली अभी जैसे कि मंथन ने आंसर किया राइटली दैट वी आर यूनिक. वाई? बिकॉज वी हैव आर ओन सेट ऑफ बिलीव्स. अगर मेरे बिलीव किसी और पर्सन के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स मैं यूनिक हूँ. और वो भी मैं क्यों यूनिक हूँ? मैं अपने पर्सपेक्टिव में यूनिक हूँ. इट मीन्स कि हर एक पर्सन का अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उनका अंडरस्टैंडिंग होता है और वैसे ही वो सब सोचते हैं. और वो सोचने का तरीका किसी पर्सन का कैसे बनता है, जो राइटली आपने बोला अपब्रिंगिंग. सो आपकी अपब्रिंगिंग जो है बेसिकली, जस्ट मुझे इतना बता दीजिए, ये क्यों बोला जाता है कि अपब्रिंगिंग में ग्रैंड पेरेंट्स का ज़्यादा रोल होता है? कि अगर आपको अपने कल्चर से बच्चे को, अब मुझे बॉलीवुड की मूवीज़ का आप सीन बताइए. बॉलीवुड की मूवीज़ में अतिथि देवो भवा, ठीक है, उसमें लास्ट में क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो संस्कृत के श्लोक बोल देता है. क्यों? क्योंकि जो उनके घर पे अतिथि आए थे उन्होंने उनको सिखाया था. इट मीन्स व्हाट? कि हमारा एक जो माइंड सेट है वो क्या है, दैट द ओल्ड एज पर्सन दे आर द बेस्ट कैरियर ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस. इवन अभी भी आप देखिए कि शादियों में क्या होता है, शादियों में ये होता है कि नॉर्मल तो आपको कुछ नहीं पता है कैसे करना है, पर जो ओल्ड एज पर्सन है वो बताते हैं कि यहाँ इस पूजा में ऐसे करना है, उस पूजा में वो करना है. वो सब क्या है? वो सब है दैट दे आर द कैरियर ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस. सो अब हर एक पर्सन का अपना जो सेट ऑफ बिलीव्स है, हर एक पर्सन का जो अपना माइंडसेट है, उनका जो एक लर्न्ड बिहेवियर है, दैट लर्न्ड बिहेवियर इज बेसिकली कॉल्ड एज द कल्चर. सो यू डोंट नो कि आपको इस तरीके से पूजा करनी है बिकॉज यू आर द हिंदू. यू डोंट नो आपको इस तरीके से करनी है बिकॉज यू आर द मुस्लिम. आपको करवाया जाता है and that is basically the learned behavior. So if I am saying that culture is a learned behavior, it means I am saying rightly. क्यों? क्योंकि आपको सिखाया गया है. Either it could be the learned behavior or it could be due to the demonstration. Means आप हिंदू हो but क्या हुआ कि आप kidnap हो गए और kidnap होके आप जो है kidnapper से भी बच गए और आप पहुँच गए किसी ऐसे region में जहाँ किसी और religion के person रह रहे थे. सो यू आर अनअवेयर अबाउट योर प्रैक्टिसेस बट ड्यू टू द डेमोन्स्ट्रेशन आप सेम वही करने लगे हो. सो उस तरीके से यू कैन से दैट इट इज़ अ लर्न्ड बिहेवियर एंड इट कैन ऑल्सो बी इमिटेट ड्यू टू द डेमोन्स्ट्रेशन. तो आप डेमोन्स्ट्रेशन से भी इसको इमिटेट कर सकते हो. ठीक है, सो आप हल्का सा लिख लीजिए. एवरी वन हैव सम यूनिक हैबिट्स, some code of behavior, commonly accepted norms, full stop. When people start comparing own culture with others, that was the formal beginning
that was the formal beginning of understanding the nature of culture and even the anthropology. So when I'm saying anthropology, it means anthro का मतलब क्या होता है? Anthro का मतलब होता है something related to the human. Logic का मतलब होता है क्या? Study. So combinedly, anthropology means study of the humans. So when I'm saying it is the study of the human, it means the study of the human practices. It means the study of the human habits, their belief system. So when we are trying to understand कि उनकी habits क्या है, क्या वो unique है, क्या वो learned behavior है, when I am trying to understand about the culture, it means I am trying to understand about the human study. So इस वजह से ये क्या है, basically ये connected है. Okay, so next आप लिखिए, heading बनाइए, meaning of culture. हाँ जी, लिखिए इस तरीके से. आपको एक डायग्राम बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, वहाँ से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी आंसर में उसको कैसे यूज़ करना है. ठीक है, सिंबल, थिंकिंग, हैबिट्स, नेटवर्क ऑफ रिलेशंस, together comprises mental, rational, material, technological integrated into culture. हाँ जी, हो गया. चलिए आप देख लीजिए बेसिकली कि कल्चर क्या है. कल्चर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है. उस सिस्टम में बेसिकली क्या आता है, उस सिस्टम में आते हैं कुछ सिंबल, कुछ थिंकिंग. देखिए सिंबल का मतलब क्या है, सिंबल का मतलब है आपके रिलीजियस सिंबल्स. आपके जो भी रिलीजियस सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के साथ आपके कुछ कनेक्शन, इमोशंस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं. अब आप ये देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे, इफ़ यू आर अ हिंदू, और अगर आपको कहीं पे ये साइन दिखता है तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है. होती है या नहीं, खुद से बता दीजिए. अगर आप जो है ये रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हो और आप ये इनहेबिटेड रीजन में चले जाते हो, तो आपको अदर फीलिंग्स आएंगी, नहीं आएंगी. Why this is because आप अपने कल्चर से कनेक्टेड हो एंड आप अपने कल्चर से
इमोशनली अटैच्ड हो, इस वजह से आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है. तो ये जो सिंबल्स क्रिएट किए हुए हैं, जस्ट क्या है, सिंबल्स हैं. अब आप मुझे ये बता दीजिए, सपोज करिए मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, यहाँ पे सपोज करिए मैं ये बना देती हूँ, ठीक है. अभी तो आई नो इसके साथ आपके इमोशन अटैच है, क्यों, क्योंकि हैशटैग चलते हैं अभी ये. अगर ये हैशटैग नहीं चल रहे होते, वैसे बता दीजिए, इससे कोई इमोशन आएगा आपको? नहीं आएगा ना. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इससे इमोशन अटैच नहीं है. बट जो सिंबल्स जिनके साथ क्या है, जो सिंबल जिनके साथ आपका मेंटली, रैशनली, मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है या टेक्नोलॉजिकली कोई कनेक्शन है, देन इट चेंजेस इनटू द कल्चर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि कल्चर क्या है? कल्चर इज सिंबल थिंकिंग, सम हैबिट, सम नेटवर्क ऑफ रिलेशंस. They together comprise some mental, rational, material, technological system, and this system turn or integrated into the culture. So this is basically the culture. अब अगर मैं आपसे पूछूं culture क्या है, it means कुछ habits, कुछ pattern of thinking जो आपको mentally, rationally, technologically integrate करता है into a system, and that system is called as the culture. ठीक है, हाँ जी. So अब मुझे आप repeat करके बताओगे. Pattern of thinking. Into a system. Very good, very good, very good. ठीक है, हाँ जी. आप नेम बता दीजिए अपना. कौशल, हाँ जी बताइए. Very good. Very good. सो या सो दैट इंटीग्रेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज द कल्चर. सो अब अगर आपको लिखना है, सो बेसिक आपको क्या करना है, यू नीड टू पुट द इंट्रोडक्शन जो मैंने शुरू में लिखवाया. अगर कल्चर पे क्वेश्चन आ जाता है, देन यू नीड टू राइट द मीनिंग. सो मीनिंग में यू विल राइट द डेफिनेशन. डेफिनेशन आप लिखोगे, मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग के बजाय आप ये डायग्राम बना दोगे. वाई? बिकॉज दिस डायग्राम इट्सेल्फ इज इंट्रोडक्टरी. ठीक है, why? Because of this word and this word. ठीक है, so ये itself ये introductory हो जाता है. तो ये diagram बनाओगे, इससे आपका half page जो है वो fill up हो जाएगा. और इससे ये देखिए, कभी भी diagram ये फूल पत्तियों वाले नहीं बना देने चाहिए ऐसे. उससे क्या होता है, space खा जाते हैं, value वो कुछ add नहीं कर रहे होते हैं. But इस तरीके के diagram जो हैं ये self explanatory हैं, ये value add कर रहे होते हैं. ठीक है, so अब आप लिख दीजिए definition. हाँ जी, लिखिए ईबी टेलर. ईबी टेलर गेव द फर्स्ट डेफिनेशन, गेव द फर्स्ट डेफिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर. ही डिफाइंड culture as a complex whole which includes knowledge, belief, art, law, custom and any other capabilities acquired by men as a member of the society. ठीक है, एक बार पढ़िए इसको, साथ साथ में पढ़ लिया. वेरी गुड, कैचिंग पावर अच्छी है आपकी. ओके, सो बेसिक क्या है कि इफ यू वांट टू कोट हिज बुक यू कैन कोट.
दैट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि वो किस तरीके से आया है. बेसिक क्या है कि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज जो कि यूनिट 6 है वहाँ पे हम एंथ्रो की जो थ्योरीज हैं वो करेंगे. उसमें हम जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है लाइक ई बी टेलर तो इनको कोट करेंगे एंड देन हम इन्होंने क्या क्या किया वो वहाँ पे लिखेंगे. सो वो बेसिकली क्या हो जाता है, एक होलसम हो जाता है तो वो पूरा डेटा हमारे पास आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे इफ वी आर नीड टू स्पेसिफाई अगर कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. सो बेसिक क्या है कि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में देर आर सो मैनी क्वेश्चन जो कि कल्चर से रिलेटेड है तो वहाँ मैंशन करेंगे हम. ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर हो गया आपको. ओके, सो अब हम बेसिक हेडिंग वन आते हैं, नेचर ऑफ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर. हाँ जी, फर्स्ट वन लिख दीजिए. फर्स्ट वन इज होलिस्टिक डिजाइन. होलिस्टिक डिजाइन का मतलब क्या है कि कल्चर जो है ये नहीं है कि आज ही नया नया आया है. आप मुझे बता सकते हो कि आपके घर में, सपोज करिए मुझे ये बता दीजिए, गोवर्धन पूजा आप में से कौन कौन सेलिब्रेट करता है? ओके, नॉट इन द महाराष्ट्र. ओके, आपके एरिया में भी नहीं. चलिए कुछ और लाना पड़ेगा मुझे. ओके, होली कौन कौन सेलिब्रेट करता है? सभी करते हैं. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन सभी करते होंगे. होली का दहन कौन कौन करता है? अब वो भी नहीं करते होंगे. ये जो तीन महाशय हैं इनके यहाँ पे नहीं होता है. होता है आपके यहाँ पे? आपके यहाँ पे अभी क्या होता है ना कि कोई जाता है कोई नहीं जाता है. चलिए वो भी छोड़ देते. दशहरा कौन कौन मनाता है? वो मनाते हैं. ठीक है, वहाँ पे अब बोलना मैम नहीं, रावण दहन पे हम नहीं जाते हैं. चलिए, सो दैट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सम रिलीजन, इट्स ओनली बिकॉज कि यहाँ पे आप सेम रिलीजन से हो, दैट्स वाई आई एम आस्किंग दिस कॉमन क्वेश्चन. सो नॉर्मल अगर हम बात करें सो ये क्या है, इट्स अ होलिस्टिक डिजाइन. होलिस्टिक का मतलब क्या है, इसका स्कोप जो है दैट इज वाइडन. एंड स्कोप वाइडन होने के साथ साथ जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं. सो यू कैन नॉट ट्रेस कि हमारे यहाँ पे कोई एक प्रैक्टिस कब से और क्यों आनी स्टार्ट हुई थी. सो यूजुअली आप बोल नॉर्मली आप देख लीजिए कि आपको एक माइंड में आपके फीड किया हुआ है या फिर इट इज़ बेसिकली कि वो ट्रांसफ़र होके आया है दैट अगर आप सूरज को पानी दे रहे हो दैट कि जो आपको सुबह सुबह देना चाहिए तो वो आपको हाथ ऊपर करके देना चाहिए जो कि आपके हैंड है वो आपके जो आपका हाइट है हाइट के लेवल से ऊपर होना चाहिए. सो अब उसके पीछे बेसिकली क्या है, अभी साइंटिफिक जो है मेथड डाल दिया जाता है. नॉर्मली क्या है, हम वहाँ पे अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेके चल रहे हैं. कुड वी ट्रेस कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, दैट्स बेसिकली वो क्या हो जाती हैं, दैट्स बेसिकली कि रेहोट्रिक्स हो जाते हैं कि इन्होंने इनको बताया इन्होंने उनको बताया. सो वो हो जाता है. अब आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आपने अपने घर में कभी ये सुना है कि बैठे, अगर आप बैठे हुए हो तो आपको बैठे बैठे पैर या टांग हिलाना नहीं चाहिए? सुना है? सो उसके पीछे अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि क्यों नहीं हिलाना चाहिए, वो बोलते हैं कि हमने तो अपने बड़ों से कभी इतना क्वेश्चन किया नहीं है जो तुम कर रहे हो, तुम्हें बताएं हम. सो वो क्या है, वो बोलते हैं वो प्रैक्टिस चला रहे हैं. ऐसे ही नॉर्मल आपके ये बोला जाता है कि साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोने चाहिए, मीन्स नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए. सो नहीं, अगर रीज़न पूछें तो घर पे रीज़न ये दिया जाता है कि जिसकी डेथ हो जाती है पर्सन की उसके पैर हम साउथ डायरेक्शन की तरफ करते हैं इसीलिए नहीं करना चाहिए. सो दैट इज़ बेसिकली क्या, दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो चली आ रही है. बट फिर हम बोलते हैं, हमारी जो जनरेशन आती है, हमें तो साइंस बताओ. ठीक है, जो साइंस वाले बताते हैं तो वो क्या बताते हैं कि बेसिकली नॉर्थ पोल की वजह से जो अर्थ जो है, अर्थ का जो भी वो अपना लाइक वो अपना जो रेवोल्यूशन जो वो घूमती रहती है उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि फिर ब्लड का फ्लो जो है आपका, वो अगर आपने साउथ की तरफ पैर किया हो तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, मींस वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा. तो इस वजह से ब्लॉकिंग एंड हेमरेज होने का भी डर रहता है क्योंकि ब्लड का फ्लो उस तरीके से हो जाता है. सो दैट इज़ बेसिकली साइंस. फिर हम बोलेंगे अच्छा हम साइंस पे तो मान जाएंगे बट हम रिलीजन पे नहीं मानेंगे या हम कल्चर प्रैक्टिस पे नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि उसका ट्रेसिस नहीं है. बट हम ये बोल सकते हैं कि ये आज का क्रिएट किया हुआ नहीं है, दैट इज़ समथिंग जो बहुत टाइम पहले से चल रहा है. सो दैट्स वाई इट्स अ होलिस्टिक डिज़ाइन. सो लिख लीजिए इसमें हल्का सा, इट इज़ क्रिएटेड
5 million years ago, but every generation adds something to it. But every generation adds something to it. हर जनरेशन उसमें कुछ ना कुछ जो है अपना ऐड करती चली जाती है. अब मुझे ये बता दीजिए, हल्दी और मेहंदी की प्रैक्टिसेस होती थी शादियों में, ठीक है. अब उन प्रैक्टिसेस में कमिंग जनरेशन ने थीम्स अटैच कर दिए हैं. दैट फॉर द हल्दी देर शुड बी अ येलो थीम, दैट फॉर द मेहंदी देर शुड बी अ ग्रीन थीम. वाई? दीज आर दी थीम एंड वी आर एसोसिएटिंग दीज कलर टू आर कल्चर प्रैक्टिसेस. सो अब नेक्स्ट जनरेशन वो भी इसको थोड़ा सा और ग्लोरीफाई कर देंगी, थोड़ा सा और. सो ये क्या है, हर जनरेशन इज एडिंग समथिंग एंड समथिंग टू दी दीज प्रैक्टिसेस, और वो कल्चर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट लिखिए सेकेंड वन. इट इज यूनिक टू ह्यूमन स्पीसीज. आपने देखा है क्या एनिमल्स को दिवाली मनाते हुए कार्टून्स के अलावा? देखा है? नहीं. आपने देखा है होली मनाते हुए? तो देखो, देखा होगा, ये झूठ नहीं बोल सकते हो आप. आपने किसी, मतलब खुद नहीं मनाते हैं, आप मना लेते हो उनके साथ. नहीं देखा है किसी मंकी को कलर लगा हुआ है, ये सब कुछ. सो बेसिकली क्या है दैट ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, दिस इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस. एंड व्हाई ह्यूमंस क्रिएटेड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स? अब मुझे ये बता दीजिए, आपका बर्थडे या न्यू ईयर लगा लीजिए, चलिए न्यू ईयर क्यों है? नया साल आया है, आपके लिए तो कॉमन रहने वाला है, कल जैसे थे वैसे ही आज रहने वाले हो, बट वो न्यू ईयर क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि आप सबको विश करते हो, सबकी विशेज आपके पास आती है, एंड आप उसको सेलिब्रेट करते हो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स. तो ह्यूमन बीइंग है तभी वो सब कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, अदरवाइज नहीं है. सो वो सोसाइटी जो आपकी ये सब प्रैक्टिसेस है ना, ये क्या है? नीड है सोसाइटी की. आपको पता है आपके बर्थडे वाले दिन आपको लाइमलाइट मिलने वाली है, आपको पता है आपके बर्थडे वाले दिन आपको थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आने वाला है. क्यों? क्योंकि यू आर अ सोशल एनिमल्स एंड यू बिलोंग्स टू द सोसाइटी. जस्ट मुझे इतना बता दीजिए कि अगर आपके बर्थडे पे कोई आपका क्लोज वन आपको विश ना करे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना. वाई? बिकॉज यू आर कनेक्टेड और यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड दिस इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन. क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है. क्यों हम बोलते हैं कि दोस्त का हमें बुरा लग जाता है? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद देम. सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. दैट्स वाई कल्चर इज समथिंग विच इज यूनिक टू द ह्यूमन स्पीसीज. दिस इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस. ठीक है, सो लिख लीजिए हल्का सा. Human species are the only one who are indulge into societal practices Example, we haven't seen animals celebrating festivals. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए हर्स्कोविट्स. नहीं, इसी में हर्स्कोविट्स, ही इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. हर्स्कोविट सेड कल्चर इज, सो एपोस्ट्रोफी नहीं, ये लाइक इन्वर्टेड कोमास लगा के आप लिख देना. कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट.
culture is man made part of environment. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थर्ड वन, बहुत छोटा हो जाएगा अगर डेफिनेशन में डालेंगे तो, बहुत छोटा हो जाएगा, इस वजह से वहां नहीं, वहां थोड़ा सा प्रॉपर लिखना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थर्ड वन, मोरल फोर्स. मोरल फोर्स का मतलब क्या है? कल्चर इज समथिंग विच टीच यू अबाउट द मोरलिटी और द इमोरलिटी. सो वो आपको बताते हैं कि मोरल क्या है, मोरल क्या नहीं है. क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर आप कोई अदरवाइज कोई प्रैक्टिस करते हो, किसी को अगर आप बुरा मनवा देते हो या किसी को बुरा कर देते हो, तो ये बोला जाता है कि भगवान माफ़ नहीं करेगा. सो वो अ काइंड ऑफ थ्रेट भी है, अ काइंड ऑफ फियर भी है, अ काइंड ऑफ आपके ऊपर यू कैन से द इन्फ्लुएंस कि जो आपको बोल रहा है दैट देयर आर सम मोरल फोर्स जो कि आपको सही बिहेव करना सिखाती है. ठीक है, सो नॉर्मल अगर आप बोले तो एक वर्ड बोला जाता है दैट इज द प्रोटोकल्चर. प्रोटोकल्चर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कि जब नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स, हम क्या है ह्यूमन प्रीमेट्स का मतलब क्या होता है, हमारे जो बहुत पुराने आदिवासी रह के आ चुके हैं वो. सो नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स में जब एक प्रैक्टिस एक से दूसरे में चेंज होती है, सो शुरू में क्या किया होगा, एक मंकी ने, आपने देखा होगा ना अगर आप कोई वृंदावन या कहीं आप कहीं घूमने गए हो जहाँ बंदरों का, मंकीज का बड़ा आतंक फैला रहता है, आपने कोई वीडियोस वगैरह भी देखी होगी सोशल मीडिया पे कि किसी का चश्मा उतार के ले जाते हैं, किसी का बैग उठा के ले जाते हैं. सो दिस इज समथिंग कि देर इज वन मंकी हु स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस. ठीक है, स्नैचिंग का प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, देर आर नो मोरल फोर्स फॉर दैट. ठीक है, बट ये जो प्रैक्टिस है वो ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन टू दी अनदर एंड नाउ इट्स अ जनरल प्रैक्टिस. सो नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स में, ह्यूमन नहीं है ये, नॉन ह्यूमन है, इनमें जब कोई एक प्रैक्टिस ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोकल्चर. एंड इन द प्रोटोकल्चर देर इज नो मोरल फोर्स, कोई मोरलिटी नहीं है. मोरलिटी क्यों नहीं, इनके लिए तो है बट कैब से क्या हो जाएगा, इनको बॉलीवुड में तो जाना नहीं है. सो नॉर्मली वो चीज़ क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट कि उनको स्नैचिंग करना है. सो वही नॉर्मल चीज़ हो जाती है. बट कल्चर में बेसिकली क्या होती है, कल्चर में देर इज अ मोरल फोर्स. सो इन दी कल्चर, कल्चर अपनी मर्जी से वही चीज़ ट्रांसफ़र करेगा जो मोरल हो, इमोरल चीज़ को कल्चर ट्रांसफ़र नहीं करेगा. सो अगर इमोरल चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ यू कैन से कि वो नेगेटिविटी है फ्रॉम द साइड ऑफ द ह्यूमंस ओनली, नॉट फ्रॉम द कल्चर और द रिलीजन. सो अभी आज के हाल ही में रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ये बोला जाता है, नॉर्मली अगर बात की जाए कि दो रिलीजन अपने आप में होस्टाइल बने रहते हैं या एनिमी काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं वो करते हैं, वो टॉलरेंट नहीं है एक दूसरे के बिहेवियर को लेके. सो वो क्यों नहीं है टॉलरेंट एक दूसरे को बिहेवियर को लेके, क्यों, क्योंकि वो अपने कल्चर को सुप्रीम समझ रहे हैं और उनसे सहन नहीं होता कि दूसरे का कल्चर उनके सामने कैसे प्रैक्टिस कर सकता है. आपने देखा होगा कि इंटरव्यूज़ में वो बड़े लाइक शॉर्ट्स चल रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि चलिए आप हमें बताइए, आप एक न्यूट्रल रिलीजन से हो, आप एक सेक्युलर पर्सन हो और यहाँ से जो है हिंदूज़ भी लेके जा रहे हैं, उनका भी अपना कोई रैली है, मुस्लिम का भी रैली है, दोनों सेम सड़क से निकल के जाएंगे, दोनों में झगड़े होने की पूरी आशंका है, बताइए आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, किसे परमिशन देंगे? नहीं, दोनों को सेम टाइम चाहिए, रूट पे नहीं जाएंगे, उनका यही सेक्रेड रूट है. फोर्स, आपके पास पैसा नहीं है इतना. हाँ जी, ऑनलाइन में so Priyanshi is saying ma'am we will try to convince. Okay, how you will try to convince, that I want to know, how would you convince? Time, same time pe chahiye unhe to. The dominant members of both the communities, we would request them that you try to, you know, they are very arrogant, they are saying hum to karenge. No, you try to request them that
you requested, but they are saying it's like it will hurt us, our ego. हम तो करेंगे. एंड वो बोल रहे हैं हम नहीं चाहते, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, बच्चों ने कर दिया, हम क्या कर सकते हैं. You cannot show the authority to the person, that's their right, because under the article 25 they have the right to practice their religion or their religious practices, even they can propagate their religious practices. Then कहेंगे कि सर ऐसी सिचुएशंस आती कहाँ से हैं. एग्जैक्टली. सो बेसिकली क्या हो सकता है इस उसमें, बिकॉज आप अपने काम से मना करने के लिए किसी को मना नहीं कर सकते हो. वो तो ये हो जाएगा दैट बींग एन IAS ऑफिसर आपका फ़ायदा क्या है फिर, दैट यू आर सेइंग कि झगड़ा नहीं होगा इसलिए मैं करने नहीं देना चाहता हूँ. सो यू हैव टू इंश्योर कि झगड़ा ना हो, बट यू हैव टू इंश्योर कि काम भी चले. ठीक है. सो ये पर्टिकुलर थिंग्स हो सकती है. सो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें जो जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यू कैन कलेक्ट द डेटा ऑफ दोज पर्सन, सो दैट कि उनकी अकाउंटेबिलिटी रहे कि अगर किसी ने किया तो वो पकड़ा जाएगा, उनके मन में डर रहे. दूसरा, वहाँ पे खर्चा आएगा आपका, या तो हो CCTV अवेलेबल तो आप नज़र रखो, सो दैट कि किसी भी तरीके की उसमें कोई पकड़ा जाए. क्यों कर दिया जाता है ये सब चीज़ें कि पत्थर फेंक दिया गया है या इधर उधर कुछ जला दिया गया है, क्योंकि ये डर नहीं है कि उन्हें ट्रेस कर पाएगा कोई. अगर ट्रेस कर पाए तो वो करेंगे भी नहीं. सो आपको इंश्योर करना है कि सबकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सबका मन बना रहे. और आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं उन, देखिए दो जो मान लीजिए जो डोमिनेंट पर्सन है उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ये, वो तो खुद भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाना चाहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो लड़ाई नहीं होने देंगे. वो बोलेंगे इन्होंने कर दी, इनको पकड़ लो, हमने क्या किया. सो यू विल इंश्योर. तो इस तरीके से बेसिकली ये क्या है कि ये इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस. सो यहाँ पे बेसिक क्या आता है, यहाँ पे ये आता है कि मोरल फोर्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन कल्चर, एंड प्रोटोकल्चर इज समथिंग. क्या है प्रोटोकल्चर? व्हेन सम प्रैक्टिसेस दे आर बीइंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स. ठीक है, चलिए लिख लीजिए. चल के इधर से वो निकले, रोड इतना तो होता है ना कि निकल जाएं. हाँ, अब बाउंड्री का खर्चा भी हम ही करें. हाँ जी हाँ, तरुण पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देंगे. चलिए, हाँ जी, आप लिख लीजिए. मोरल फोर्स इन कल्चर सर्व एज ए गाइड फॉर ह्यूमन एक्शन, rather than simply as information about how one might behave, but protoculture does not contain traces, of moral force. ठीक है, जहाँ पे आपने प्रोटोकल्चर लिखा है ना, वहाँ ब्रैकेट में उसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए, सो दैट कि आप भूले नहीं. पासिंग ऑफ बिहेवियर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर among non-human primates
primates. ठीक है, हो गया. ओके, नेक्स्ट लिख दीजिए. फोर्थ वन, कल्चर इज कॉमनली शेयर्ड. हाँ जी, कुछ ऐसा इसमें लग रहा है मैं कुछ नया बता रही हूँ? इट इज समथिंग जो कि आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, बट अभी आपको वो लिखना आएगा नहीं, धीरे धीरे वो भी लिखना आ जाएगा. देखिए, कल्चर या कल्चरल प्रैक्टिसेस तभी है जब वो कॉमनली शेयर्ड की जाए, तभी है जब आपके साथ कोई हो उसको सेलिब्रेट करने वाला. होली आप खुद से तो नहीं मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को अच्छे से कलर लगा लो और फिर खुश हो जाओ, फिर तीन चार सेल्फी लो और फिर सेल्फी लेके आप डालो सेलिब्रेटिंग होली विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे तो नहीं आप करोगे. तो क्यों? क्योंकि कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी कल्चर प्रैक्टिसेस है, वो तभी है जब उसको कॉमनली शेयर किया जाए. ठीक है, चलिए लिख दीजिए. सो देर मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ एथनिक सॉरी एन एथनिक और रिलीजियस एथनिक और रिलीजियस ग्रुप विद द कॉमन सेट ऑफ बिहेवियर विद द कॉमन सेट ऑफ बिहेवियर विच इज शेयर्ड बाय देम ऑल विच इज शेयर्ड बाय देम ऑल. हो गया, वेरी गुड. नेक्स्ट लिखिए फिफ्थ वन. कल्चर इज लर्न्ड. कि कल्चर क्या है? कल्चर इज समथिंग जो कि सिखाया जाता है. इट्स रिलेटेड टू द लर्न्ड बिहेवियर. सो लर्न्ड बिहेवियर नॉर्मली देखिए, पहले क्या होता था कि पहले जो बच्चे होते थे या जो चाइल्ड होते थे, इवन जो स्टूडेंट भी होते थे, वो भी गुरु के जो है पैरों में जो है उनके पैरों में गिरते थे एंड मतलब उनसे आशीर्वाद लेते थे. एंड जो चाइल्ड होते थे वो भी, ठीक है. सो वो देखिए, आप देखिए कि प्रॉपर इनका पोस्चर क्या है. सो प्रॉपर वो उन्होंने अपने जो है पूरा का पूरा वो बेंट हुए हैं एंड देन प्रॉपरली ही इज टचिंग लाइक दैट. सो अभी वो क्या हो गया है, अभी हमने क्या किया था? सो अभी हमने बेसिकली क्या किया था, दैट कल्चर इज समथिंग विच इज होस्टाइल. इट्स अ होलिस्टिक डिजाइन. होलिस्टिक डिजाइन इट मीन्स वट, दैट एवरी जनरेशन इज एडिंग समथिंग एंड समथिंग. सो इट इज अ लर्न्ड बिहेवियर, बट एवरी जनरेशन दे आर मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश. सो अभी भी अगर आशीर्वाद लेना है, यू विल डू द सेम, बट सी हाउ द पर्सन यूज टू डू. देर आर सम स्टूडेंट फ्रॉम वो जो इधर हिंदी मीडियम वाला जो क्लास चलता है, वहाँ से भी स्टूडेंट है. दे हैव अ हैबिट टू टच द फिट ऑफ द टीचर्स, बट दे यूज टू टच द फिट ऑफ द देयर ओन फैकल्टी. सो वैसे टच करते हैं. सो सपोज देयर सर इज सीटिंग लाइक दैट इधर, ठीक है, बाहर में. सो दे यूज टू कम बैक से, फट से आएंगे, टच करेंगे, चले जाएंगे, फट से आएंगे. आई मीन दे आर नॉट इवन टचिंग, बट दे आर शोइंग देयर काइंड ऑफ रिस्पेक्ट लाइक दैट. सो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस और द लर्न्ड बिहेवियर, बट मॉडिफिकेशन के साथ. तो हम सब करेंगे बट अपना स्टाइल डाल के करेंगे उसमें. सो द सेम थिंग, अब वो कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है, यू कैन सी. अभी छोटे बच्चे को नहीं पता है किस तरीके की रिस्पेक्ट किस पर्सन को उन्हें देनी है. बट आपको क्या लगता है कि इन ये जो बच्ची हैं, इनको सिखाया या बताया गया होगा, इनके मन में रिस्पेक्ट क्रिएट की गई होगी? उसी रिस्पेक्ट को क्रिएट करने के बाद वो इस तरीके का डेमोंस्ट्रेशन या इस तरीके की चीज़ें शो कर रही है. इट मीन्स कल्चर इज अ लर्न्ड बिहेवियर. बट लर्न्ड के साथ साथ सपोज आप पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि कल्चर इज अ लर्न्ड बिहेवियर, बट इट द लर्निंग डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, अगर ये आ जाता है, सो यू कैन सिग्निफाई दैट इट इज अ काइंड ऑफ लर्न्ड बिहेवियर. बट वो लर्न बिहेवियर कैसा है, बिकॉज होलिस्टिक डिजाइन एंड देर आर सो मैनी फैक्टर, सो इट्स मॉडिफाइंग डे बाई डे. एंड इवन देर आर सम काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हैं कल्चर के, अभी हम आगे करेंगे तो वो भी हम डाल के उसमें बात कर सकते हैं कि किस तरीके से वो चेंज हो रहा है. ठीक है, सो आप लिख दीजिए.
all things shared by a group are not always considered as cultural, are not always considered as cultural, but if something to be considered cultural, it must be learned as well as shared. It must be learned as well as shared. अब यू जस्ट टेल मी, आप सबने जो भी हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, इज इट सिग्निफाइंग योर कल्चर? इट्स सिग्निफाइंग योर कल्चर? हाउ? ओनली योर हेयर स्टाइल, योर कल्चर? यू आर सेइंग दैट मूवीज दे आर पोर्ट्रेइंग आवर कल्चर? दे आर नॉट द रिफ्लेक्शन, दे आर जस्ट द फैंटेसी. ओके, यू जस्ट टेल मी कि अभी देर इज़ वन मूवी ऑफ द प्रभास जिसका वापस से शूटिंग हो रहा है ना. प्रभास का अभी एक मूवी का प्रोमो आया था ना, ऐसा कुछ भगवान राम बने हैं जिसमें. वो नहीं देखा आप सबने? अरे आप सब कैसे देखोगे, मैं भी नहीं देखती हूँ. यूपीएससी के स्टूडेंट हो, कैसे देखोगे? बट द काइंड ऑफ थिंग कि उसमें उन्होंने पोटे, अच्छा चलिए रामायण आप सबने देखा होगा, वो तो देखा होगा, उसमें द काइंड ऑफ हेयर स्टाइल आप सबने देखा होगा. सो इफ़ यू ऑल बिलोंग फ्रॉम द हिंदू रिलीजन, देन अकॉर्डिंग टू योर कल्चर दैट शुड बी द आइडियल हेयर स्टाइल फॉर यू. ठीक है, अभी सपोज करो आपने मूवी से सीखा है, सो उसके अकॉर्डिंग आपका हेयर स्टाइल है. आपने कौन सी मूवी से देख के हेयर स्टाइल बनाया? सो बेसिकली क्या है, यू ऑल आर शेयरिंग द सेम रिलीजन, यू all must be belonging from the different states, but you just tell me in your own states kya aapke jaisa hi sabka hair style hai. So it means there are some things ki there are some practices ki wo aisi ho sakti hain ki wo culture na show kare. But mujhe ek baat bata dijiye, aapne ye dekha hoga ki kuch person hote hain jo yahan pe ek choti rakhte hain, shikha jisko basically bolte hain, to wo aapne dekha hoga. इवन आपने इधर कोचिंग में भी देखा होगा कुछ स्टूडेंट की है हेयर स्टाइल इज नॉट ओनली द पंडित बट अदर पर्सन भी जो है वो रखते हैं. बेसिकली ये हिंदू रिलीजन का होता है. सो हेयर स्टाइल इज नॉट द कल्चर. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन देखिए अभी आपने लर्न बिहेवियर में क्या लिखी है. नहीं होती है, ठीक है, बट जो शिखा रखते हैं That is a kind of learned behavior. उनके parents ने उनको बोला होगा कि हम हमारे में रखते हैं तो you have to keep that. तो वो particular thing हो जाती है, that is culture. So you need to understand the minute difference between these two things. कि normal practices जो आप कर रहे हो you seems to be कि you are the part of the culture, वो actually में culture का part नहीं हो सकती. Why? Because उसमें आपकी अपनी wish है. But the kind of learned behavior. अब मुझे ये बताइए कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कोई अदरवाइज उसका मजाक उड़ा सकते हैं कि अरे तुम्हारे क्या है, तुमने तो चोटी रखी हुई है. अगर किसी को नहीं पता हो मजाक, क्योंकि अगर स्कूल में रखा हुआ तो छोटे बच्चे मजाक बना सकते हैं ना, कॉलेज में किया हो तो बच्चे मजाक बना सकते हैं. बट वो क्या है, दिस इज समथिंग कि जो आपको बोला गया है कि आपको अपनी कल्चर प्रैक्टिस को करना है. सो दैट इज लर्न्ड बिहेवियर. सो इट मे बी क्वाइट पॉसिबल दैट योर वे ऑफ ईटिंग, सो योर वे ऑफ ईटिंग समटाइम्स इट मे सिग्निफाई योर कल्चर, समटाइम्स नॉट. सपोज करिए कि आपकी कल्चर प्रैक्टिसेस है दैट यू नीड टू सिट एट द फ्लोर, और फ्लोर पे बैठ के आपको जो है तब खाना खाना है, एंड विद योर हैंड्स आपको खाना खाना है. आपने देखा होगा गुरुद्वारे में ऐसे ही होता है. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ लर्न्ड बिहेवियर जहाँ बच्चे को सिखाया जा रहा है आपको ऐसे खाना पड़ेगा. सपोज करिए कि नाउ यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, एंड रेस्टोरेंट में आप अपने बच्चे को एटिकेट सिखा रहे हो कि देखो ये गंदा नहीं करना है, इस तरीके से खाना है. खाने के बाद वो कहीं जोक भी बनते हैं ना कि वो जो नींबू वाला पानी आता है उसको पीना है कि उससे हाथ धोना है, हाथ साफ करना है.
सो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो लर्न बिहेवियर. वुड यू से दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर? यू वॉन्ट से. Why? Because being a part of the society, this is a kind of etiquettes you need to show. So वो हो जाता है. So that's why इसमें आपको ये minute difference को समझना होगा. Okay? हो गया clear आपको? चलिए next लिख लीजिए. Culture is adaptive. Sixth one. Culture is adaptive. अब जितना आप ना आस पास बिल्कुल अब से आपने पता क्या, जैसे ही आपने एंथो ले ना, आपकी हो जानी चाहिए पैनी नज़र. अभी जैसे हम फिजिकल स्ट्रक्चर की है जो ऐसे भी बात करेंगे ना, हम ना फेस के फीचर भी देख के करेंगे कि किसी की ना नोज़ वो कैसी है, मतलब जो साउथ इंडियन है उनकी नोज़ कैसी होती है, आर्यंस है उनकी नोज़ कैसी होती है, मीन्स जो नदन वाले हैं. सो आदत क्या लग जाएगी, मतलब बुरी आदत भी है इवन यू बोल सकते हो. मेट्रो में आते जाते किसी का फेस देख के ऐसे बोल रहे हैं, इसके फेस की शेप ओवल होएगी या राउंड होएगी या कैसी होएगी, मतलब वो चीज आपके माइंड में आ जाएगी. सो बेसिकली क्या है, एपिकेंथल आई बेसिकली क्या होती है, दैट इज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न जो पर्सन होते हैं ना. सो आपने देखा होगा कि उनकी जो अपर आई लिड जो लिड होती है वो थोड़ी ऐसे झुकी हुई होती है, ठीक है. सो दैट इज द एपिकेंथल आई. तो वो देख के आप पता लगा सकते हो कि अच्छा ये एपिकेंथल है. अब मैं बताती हूँ मेरा एस्टिमेशन एक बार कब गलत हुआ. यहाँ एक नारियल पानी वाला खड़ा रहता है. सो बेसिकली क्या है कि हमारा एक फिजिकल स्ट्रक्चर है दैट की सदन जो पीपल हैं उनका बिल्टअप कैसा होता है, लाइक द शॉर्ट स्टेचर, लाइक सम करली हेयर्स, ब्रॉड नोज होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है. सो आई थॉट दैट पर्सन इज फ्रॉम द साउथ इंडिया. सो वन डे ही स्पीक्स हिंदी सो वेल, मेरे को ये लगा कि इतना नदन वाले टोन के साथ कोई कैसे बोल सकता है, ठीक है. तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया. ही सैड कि मैम मैं बिहार से हूँ. मैंने कहा ओह अच्छा. देन ही सैड मैम ये तो गलत बात है कि हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्शन देख के ये लग जाता है हम तो साउथ से हैं. उनको कईयों ने भी बोला होगा कि साउथ से हो क्या भैया, तो ऐसा कुछ करके. तो इट्स काइंड ऑफ, अब ये बोल दिया जाता है कि इज इट अ काइंड ऑफ रेसिज्म दैट यू आर बेसिकली प्रमोटिंग. सो इन एंथ्रोपोलॉजी वी स्टडी द रेशियल क्लासिफिकेशन नॉट द रेसिज्म. सो उससे अपने माइंड को अलग करके पढ़ना है. And there are two types of complexion, either it would be the fair or it would be the dark complexion. So it's not a kind of derogatory or something, and we need to study the classification. So emotions related to the religion, emotions related to the you can say the body fat or something, related to the height, related to the stature basically height ko bola jata hai. So wo sab aap apna ghar pe hi chhod ke aana, ठीक है. यहाँ पे वी विल ओपनली स्टडी अबाउट एनी रिलीजन, अबाउट एनी प्रैक्टिसेस, अबाउट एनी फिजिकल स्ट्रक्चर, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. चलिए सो नेक्स्ट आपने लिखा है क्या, अडेप्टिव, उसमें लिख दीजिए कल्चर इज ओपन वेयर वन एडोप्ट अदर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस, वेयर वन एडोप्ट अदर cultural practices. अब आप मुझे ये बता दीजिए, अभी थोड़े दिन पहले लोहड़ी थी ना, so those who belongs from the other religion, they are also wearing the turban to signify. Even यहाँ पे भी आपने देखा होगा teacher were wearing the turban और वो पढ़ा रहे थे, ठीक है. It's a kind of what that cultural practices they are adoptive. You can adopt the cultural practices of other. ये नहीं है कि आप थोड़े टाइम के लिए, even like the रक्षाबंधन, it's a festival which belongs to the Hindu, but from other religion also सभी celebrate करते हैं. So it's open. अगर आप openly उसको जो है adopt करते हो. Next लिख लीजिए, seventh one. It is structured. सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले क्या, सबसे जो माइन्यूट यूनिट क्या है, सेल, ठीक है ना. सेल के बाद फिर क्या बनता है, टिश्यू, वेरी गुड. टिश्यू के बाद ऑर्गन, वेरी गुड. एंड ऑर्गन के बाद बॉडी. तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर. इसका मतलब कि जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. एंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वो एक लाइन में जाएगा
एंड वो लीनियर रिप्रेजेंटेशन होगी जो कि स्टेप बाय स्टेप होगी. सो मतलब एक छोटे पार्ट से हम जो है बड़े पार्ट पे जाने वाले हैं एंड बड़े पार्ट से ऊपर आगे जाने वाले हैं. ऐसे ही कल्चर बोला जाता है कि कल्चर क्या है. कल्चर इज समथिंग विच बिलोंग्स टू दी ट्रेड्स. ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एडोप्ट करते चले जाएं तो उससे बन जाते हैं क्या कॉम्प्लेक्सेस. एंड कॉम्प्लेक्सेस टर्न इनटू द कल्चर. तो इसका मतलब कल्चर अपने आप नहीं बनता, वो कुछ ट्रेड से बनता. अब आप ध्यान दीजिए, अब आप जाइए जो आपने मीनिंग के टाइम पे जो आपने डायग्राम बना था उस पे जाइए और मुझे बताइए इसमें ट्रेड क्या है. अगर मैं ट्रेड वर्ड बोलूं तो ट्रेड क्या है. सिंबल आगे हैबिट्स. सो हैबिट्स, कुड यू से हैबिट्स इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. आप अपनी हैबिट को अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड हैबिट्स, बैड वाली नहीं. ठीक है, सो गुड हैबिट्स यू कैन से द ट्रेड्स. सो व्हेन दिस ट्रेड्स आर अडॉप्टेड बाय यू एंड रिप्रेजेंटेड बाय यू तो तब वो क्या बन जाते हैं, तब वो आपकी रैशनैलिटी बन जाते हैं. सपोज करिए आपको झूठ बोलने की आदत नहीं है. सो आपको सच बोलने की आदत और झूठ आपसे बर्दाश्त नहीं होता है. सपोज करिए झूठ ना बोलने की आदत, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेड. ठीक है, अभी मैं कल्चर से नहीं सिग्निफाई कर रही हूँ, दैट्स अ काइंड ऑफ ट्रेड. अभी ट्रेड जो है, अब आप इसको आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, उसी के बेसिस पे आप जो है अपना व्यू पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो या व्यू पॉइंट रखते हो, देन इट टर्न इन टू द कल्चर. अब वो कल्चर में कैसे चेंज होगा, दैट आपका कल्चर सिखाता है. आपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, अदरवाइज भी आपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देखे होंगे, उनमें ये बोला जाता है कि झूठ बोलना अधर्म है, सच बोलना जो है वो धर्म है. ठीक है, इवन महाभारत में भी ये बोला जाता है कि बाद में किस तरीके से क्या कुछ हुआ था, जो युधिष्ठर थे ना, हाँ उन्होंने बोल दिया था कि नरोवा कुंजरा. ठीक है, ऐसा करके उन्होंने बोला था ना. सो बेसिकली वो सब चीज़ें क्या हैं कि वो नॉर्मल आपकी हैबिट जब आपके डेमोन्स्ट्रेशन में चेंज हो जाती है, देन इट टर्न इनटू द कल्चर. सो इट इज़ नथिंग बट द डेफिनेशन या जो मीनिंग आपने किया था वो है. ठीक है, सो आप लिख लीजिए. ये सिर्फ मैंने समझाने को दिया था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको करना है. पहले ये बना लीजिए एंड देन लिखिए. हाँ जी, अभी लिखिए. कल्चर has a definite and proper structure, has a definite and a proper structure which is basically a definite arrangement of its components and units. हाँ जी, देर इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स एंड यूनिट्स, ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स एंड यूनिट्स. सो बेसिकली क्या है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है. पहले क्या आएगा, ट्रेड, देन कॉम्प्लेक्सेस एंड देन कल्चर. नेक्स्ट लिख लीजिए, एट्थ वन, कल्चर इज इंटीग्रेटिव. कल्चर इज इंटीग्रेटिव. मुझे बताइए इसमें मुझे कुछ लिखवाने की ज़रूरत है इंटीग्रेटिव वाले में, नहीं. क्यों? क्योंकि मीनिंग में आपने देखा था इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ दीज ऑल सब सिस्टम. ठीक है, हाँ जी, बस आप लिख दीजिए, इट कैन सर्वाइव विद द म्यूचुअल एडजस्टमेंट. इट कैन सर्वाइव विद द म्यूचुअल एडजस्टमेंट. नेक्स्ट लिखिए, नाइन्थ वन, डायनामिक. नेक्स्ट लिख दीजिए, नाइन्थ वन, दैट इज डायनामिक. डायनामिक का मतलब क्या है, दैट कि कल्चर ऐसा है कि जिसमें स्टेबिलिटी है और उसने उस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया है, बट उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन आती गई है. सो इट्स नॉट समथिंग कि जो स्टैटिक है स्टैटिक ही पड़ा रह गया है. इट इज़ समथिंग कि जो स्टेबल तो है, चेंज तो नहीं हुआ है. अब पैर छूने की जो परंपरा है अभी भी है, बट मॉडिफिकेशन आ गई है. सो वो मॉडिफिकेशन बेसिकली क्या है, वो मॉडिफिकेशन क्यों आई है, बिकॉज इट्स डायनेमिक. ठीक है, सो लिख दीजिए,
culture exhibits stability and change stability and change simultaneously मतलब कि स्टेबिलिटी भी फील होगी और चेंज भी फील होगा. एग्जैक्टली लिखिए फुल स्टॉप. देन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द कल्चर डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर and it depends upon the factors like level of technology, innovative capacity, migration and diffusion. अब diffusion क्या होता है हम अच्छे से करेंगे, इसीलिए अभी नहीं बता रही हूँ मैं इसको. सो diffusion मतलब कि आप कैसे diffuse हो जाते हो दूसरे culture में. सो सपोज करो अगर आप diffuse हो रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे से अपना छोड़ के उसके में मिल रहे हो. सो इसका मतलब आप अपने culture की practices को छोड़ रहे हो. सो देर आर सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द डिफ्यूजन अकल्चरेशन आगे करेंगे हम उसको, ठीक है. सो ये आपके जो भी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स थी या नेचर था कल्चर का वो आपका कंप्लीट हो चुका है. एक बार आप इसकी अभी रीडिंग लेंगे, मैं एक दो सुनूंगी आपसे, देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है. रीडिंग लीजिए इसकी एक. टेक्नोलॉजी के बाद इनोवेटिव कैपेसिटी. 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से पढ़िए. ये बता दीजिए क्या नहीं समझ में आया. मीन्स कि प्रोटोकल्चर में मॉरल फोर्स नहीं होती है बेसिकली. क्यों? क्योंकि वो सिखा तो रहे होते हैं, लर्निंग बिहेवियर तो है, बट वहाँ पे मोरालिटी नहीं है. लाइक स्नैचिंग जो है एक से दूसरे ने सीखा है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ कि आप अगर मंकी को अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे हो तो आपके माइंड में प्रैक्टिस उनकी आ रही होगी कि मंकी का आदत होता है स्नैचिंग का. आपने कभी किसी डॉगी को नहीं देखा स्नैचिंग करते हुए, है ना. सो हाँ काटते हुए देखा है, ठीक है. अगर आपको काटा होगा तो किसी और को काटते हुए देखा है, ठीक है, तो अच्छा है. सो बेसिकली क्या है कि इट्स काइंड ऑफ कि वहाँ पे देर इज अ चेंज और अ ट्रांसफर हो रहा है, बट दैट ट्रांसफर इज नॉट चैनलाइज बाय द मोरल फोर्स. बट इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग कि अगर वो चेंज हो रहा होता है कि जनरेशन टू जनरेशन जा रहा होता है तो देर इज अ मोरल फोर्स. क्यों? क्योंकि हम उसी चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करवाएंगे जो कि मोरल हो. इमोरल प्रैक्टिस को कल्चर अपने आप सिखाता नहीं है,
ठीक है. सो दैट इज बेसिकली. सो मींस क्या है कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको कुछ सिखा रहे हैं तो वो अच्छा वाला ही सिखाएंगे, बुरा वाला नहीं सिखाएंगे. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कि कल्चर जो है यहाँ पे मॉरल फोर्स होती है. बट इन केस ऑफ द प्रोटो कल्चर दैट इज रिलेटेड टू द प्रिमेट्स, उसमें जो है ये मॉरल फोर्स नहीं होती है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. हो गया. देखिए आई ऑलवेज अप्रिशिएट द क्विक लर्नर, तो अगर आप हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो प्रोसेस में धीरे धीरे बन जाओगे. क्योंकि शुरू में मैं 2 मिनट देती हूँ, फिर 1 मिनट देती हूँ, फिर 30 सेकेंड्स हो जाते हैं, तो प्रेशर बन जाता है. चलिए आपके 2 मिनट खत्म हो जाते हैं. हाँ जी, इन दी ऑनलाइन आप भी आंसर करना. चलिए. सो मुझे बताएंगी शिखा. शिखा आप मुझे बता दीजिए कि हु इज़ द पर्सन हु सेड कि कल्चर जो है इट्स अ काइंड ऑफ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. शिखा अच्छा चलो ये मत बताओ, ये बता दो ये पॉइंट हमने कौन से पॉइंट में लिखा था. कॉमनली शेयर्ड में लिखा था, याद करो. चलो कोई बात नहीं. हाँ जी आप बताओगे. मैं आपका नेम वापस भूल गई. नीलेश. हाँ जी बताइए. क्या. हाँ यही क्वेश्चन. वेरी गुड. कि इट इज़ यूनिक टू द ह्यूमन स्पीसीज. ठीक है. किस और किन्होंने बोला था. हर्स्कोविट्स. ठीक है. ओके. सो चलिए आप मुझे बताओगे कौशल. कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड, तो वो स्ट्रक्चर्ड क्यों है. हाँ जी वेरी गुड मलिका, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड शेश्वरी. हाँ जी स्ट्रक्चर्ड क्यों है. याद करो स्ट्रक्चर. हिंट देती हूँ, सेल से और इनसे जोड़ के करा था हमने. जैसे सेल होते हैं वैसे ही कल्चर में भी कुछ होता है. वेरी गुड वेरी गुड. एंड देन कल्चर. ठीक है. दैट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर. ठीक है. याद था, डरा मत करो, याद था. लेकिन नहीं याद होता ना मैं करवा देती हूँ याद, बट आ जाता है. हाँ जी चलिए अब आप बताएंगे. आई वॉन्ट टू आस्क अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू. तो ओके. सो यू जस्ट टेल मी व्हाई कल्चर इज डायनेमिक. कल्चर टू कल्चर. एग्जैक्टली. ओके. In the yeah, in the Europe or US. So there's large scale farming. That is only possible because of innovation. Very good, very good, very good. हाँ जी जोए. Exactly, बिल्कुल डाल सकते हो. इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या क्रिएटिविटी ला सकते हो. और वो भी कैसे आएगी, आपके सराउंडिंग से ही आएगी. ठीक है. कोई इसमें कुछ आपको लाइक रॉकेट साइंस नहीं डालना है. नॉर्मल छोटा सा अगर आप ये एग्जाम्पल भी डाल दो, आपने आस पास अपने देखा हो, उसी से वो इम्प्रेसिव बन जाएगा. ठीक है. चलिए जो है आप मुझे बताएंगे. कल्चर इज अ होलिस्टिक डिज़ाइन. हाँ जी वेरी वेरी गुड तरुण. जो है दैट इट्स हाँ, तो वो 5 मिलियन ईयर अगो, ये इतना ज़्यादा पुराना है. एंड विद द टाइम टू टाइम हम उसमें जो है चेंजेस करते आए. बिल्कुल आ सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमने शुरू में जो मीनिंग किया था उसमें लिखा था ना टेक्नोलॉजिकल, तो वो बिल्कुल आ सकता है.
ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना जो है कनेक्ट करके कर रहे हो. ठीक है, तो चलिए ठीक है. सो वो बेसिकली क्या है कि उसमें हम करेंगे अभी डिफ्यूजन क्या होता है, कल्चरेशन, अकल्चरेशन क्या होता है. तो ये तीन चार टर्म्स होती हैं, ये हम करेंगे. वो जो हम कर रहे हैं कि चार दिन में ही जो टोन चेंज हो जाती है वो अलग सीन हो जाता है कि हाँ, सो वो अलग सीन हो जाता है, बट उसको भी हम करने वाले हैं. ठीक है, सो चलिए आप न्यू हेडिंग बना लीजिए, क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर, क्वालिटीज या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर. क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर. सो हम यहाँ देखने वाले हैं कि एक कल्चर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं या क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है एट्रीब्यूट्स तो भी यही लिखना है, क्वालिटी आ जाता है तो भी यही लिखना है, तो दोनों में यही लिखने हैं. और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ ये इनबिल्ट हो जाती है चीज़ें कि नेचर कौन सा है और वो कौन सा है. अब सपोज करिए मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन कि आप मुझे बताइए, चलिए आप मुझे बताएंगे, अरे आप बच गए थे ना, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा ना. हाँ, एक बार नेम बता दीजिए आप. हर्षित. हाँ जी हर्षित, तो आप मुझे बताइए आपका नेचर, एक कोई नेचर और एक कोई क्वालिटी. चलिए नेचर बता दीजिए. हाँ जी, ऑनलाइन में भी आप सभी एक अपना नेचर लिखेंगे और एक क्वालिटी लिखेंगे. नेचर, आपका नेचर कैसा है? हाँ जी, आपका नेचर कैसा ये बता रहे हैं और आपकी क्वालिटी क्या है? चलिए शिखा आप बता दीजिए आपका नेचर कैसा है. ईजी एस्केप. हाँ वही. हाँ हाँ, और क्वालिटी? हाँ जी मंथन. ओके, डिसिप्लिन, वेरी गुड. सो दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्यों बताया आपने? यू कांट से कि दैट इज दैट्स योर क्वालिटी. Could you say your nature is your quality? No. You can't say. Very good. Very good. Very good. So basically, our nature, it differs from our quality. So it may be quite possible that you are very hardworking, but it may be quite possible on the same time that because you are very much hardworking, but हार्डवर्किंग आप अपने माइंड को बोल देते हो दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, बट उसके बावजूद आपका नेचर ऐसा है कि आप जो है थोड़े से लेथार्जिक रहते हो. ठीक है, उठने में बड़ा ऐसे दिक्कत होती है आपको, बट ये है कि एक बार उठ के बैठ जाओगे फिर तो पढ़ने बैठ जाओगे. सो इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि आपका कुछ नेचर आपका क्वालिटी बन जाए, दैट कि आपका नेचर है कि आप जो है बहुत ही अच्छे से बोलते हो सबको, वो आपकी क्वालिटी में टर्न हो जाए दैट यू आर अ वेरी स्वीट स्पोकन पर्सन, तो लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है. सो दैट मे टर्न इनटू योर क्वालिटी. बट बेसिक अगर हम बोले नेचर एंड क्वालिटी, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्यों? क्योंकि कल्चर का नेचर आपने देख लिया कि कल्चर का नेचर कैसा है. नेचर का मतलब आप कैसे बिहेव करते हो, दैट इज बेसिकली योर नेचर. एंड आपका क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी जिस लेवल तक आप अच्छा बिहेव कर सकते हो या जिस लेवल तक आप जो है बिहेव कर सकते हो, सो दैट इज बेसिकली योर क्वालिटी. सो ही सेड कि ही इज डिसिप्लिन्ड. सो डिसिप्लिन्ड ये हैं, क्यों? क्योंकि इनका ये क्वालिटी है. ऑन द सेम टाइम इट मे बी क्वाइट पॉसिबल उस डिसिप्लिन को लाने के लिए इनको अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता हो, सो दैट फोर्सिंग कुड बी हिज नेचर. तो अगर आपको 11 बजे पढ़ने बैठना है तो 11 बजे पढ़ने बैठना है, वो आपका डिसिप्लिन है. बट उसके लिए उससे पहले आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ रहा है कि मुझे उससे पहले उठना पड़ रहा है. सपोज करिए कि इतने ठंड में बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है, तो वो 5 मिनट की स्ट्रगल जो आपके माइंड में चल रही है कि उठूँ नहीं उठूँ, वो सब चीज़ें क्या है?
दैट्स बेसिकली योर नेचर, कि वो हो सकता है. सो इस वजह से नेचर क्वालिटी डिफर करते हैं, बट एक टाइम पे वो सेम भी हो सकते हैं, बट मेजरली उनमें डिफरेंस होता है. अगर आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, दैट मे चेंज इन टू योर क्वालिटी, बट मेजरली देर इज़ अ डिफरेंस. सो ऑन द सेम लाइन देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ द कल्चर एंड द क्वालिटीज ऑफ द कल्चर. सो यूजुअली क्या होता है, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसी से आपको आंसर लगा लेना चाहिए कि मैम जान के फंसाने की कोशिश कर रही है. ठीक है, ओके, लेट मी रीड इन दी ऑनलाइन. प्रियांशी ने एक अच्छा, मलिका ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, केक कटिंग ऑन दी बर्थडे, कि चेंज होता रहा है. सो पहले क्या होता था, अभी क्या होता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस हमने बना ली है. ओके, क्वालिटी नहीं, देखो इसका मतलब जब मैं नेचर और क्वालिटी पूछ रही हूँ, कोई ये भी नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब आपको अपना नेचर और क्वालिटी नहीं पता है. तो कल का आपका यही काम होने वाला है. इट्स अ काइंड ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ. आप अपने 2 से 3 नेचर और 2 से 3 क्वालिटीज़ लिख के लेके आओगे. ठीक है, ये आप ना बनाने लगोगे अपनी क्वालिटीज़, एंड इसके साथ साथ आप अपनी वीकनेसेस भी, ठीक है, 2 से 3 वीकनेसेस ये लिख के लेके आओगे. ओके, सो मैं नहीं पूछूंगी लाइक कि वीकनेसेस क्या है, क्योंकि वो थोड़ा ये हो जाता है, बट मैं क्वालिटी और नेचर तो पूछने वाली हूँ. बट वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, अभी से बनानी स्टार्ट कर दो अपनी वीकनेस, सो दैट इंटरव्यू में बढ़िया सी बन जाए. ठीक है, मतलब आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में वो वीकनेस बोलने की है या नहीं है. सपोज करो आप अपनी वीकनेस ये बोल देते हो, आई कैन नॉट टेक फास्ट डिसीजन, दैट्स अ काइंड ऑफ वीकनेस. अब वो बोल दे, एकदम आपके सर पे ये आ गया है कि वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है और वहाँ पे दंगा फसाद चल रहा है और आप तो फास्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे, हम क्यों बनाएं आपको फिर यहाँ का DM. ठीक है, वो ये हो सकता है ना. तो इस तरीके की वीकनेस नहीं बोलनी है. ऐसे बोल दो, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, वो बोलेंगे अच्छा फिर तो कोई आपके सामने रो दिया तो फिर आप तो उनका काम कर दोगे ऐसे ही. तो वो चीज़ें नहीं हो सकती है. ठीक है, तो वो भी आप अपना करके देख के लाना. तो कल का एक तो आपका यही होमवर्क रहने वाला है. किसका? बिल्कुल होगा. अच्छा नहीं, कल नहीं होगा, अभी 2 दिन थोड़ा सा डराऊंगी नहीं मैं, थोड़े नए नए हो आप, परसों से स्टार्ट हो जाएगा. मतलब ये यूनिट खत्म हुई, इसका आंसर लिखना पड़ेगा. पहले मैं सिखाऊंगी आंसर कैसे लिखना है, फिर आप क्लास में ही, आपको क्वेश्चन दूंगी, आप क्लास में ही आंसर लिख के मुझे यहीं पे सबमिट करवाओगे, देन फिर हम आगे का पढ़ेंगे. तो जस्ट कुछ नहीं है उसमें, 10 से 15 मिनट जाने हैं. बट मैंने ये रियलाइज़ किया, पहले मैं बेसिकली क्या करती थी शुरू में, कि 5 डेज का क्लास रखा है हमने, एंड देन 1 डे हम कर रहे हैं आंसर राइटिंग. ठीक है, वो 1 डे आंसर राइटिंग घर पे ही बेसिकली होता था. बट ये पाया मैंने कि चाहे कितने ही बोल दें सब कि आई एम वेरी मच ऑनेस्ट, बट साइड में अगर रखी है तो एक बार ध्यान चला भी जाता है. इवन एक बार तो पता है क्या हुआ था, मैं क्या बोलती हूँ कि फ़ोटो क्लिक करके फिर उसको, मतलब स्कैंड फ़ोटो आपको फिर ग्रुप में डाल देनी है. सो क्या पाया मैंने एक बार, कि साइडों में वो खुले हुए थे यूनिट्स के, मतलब प्रिंटेड नोट्स, और उसमें ऐसे करके फ़ोटो क्लिक की हुई थी. ठीक है, तो मतलब मुझे साफ दिख रहा था कि खुले हुए हैं. सो वो चीज़ उसमें आ जाती है. इस वजह से हम क्लास में ही करेंगे, यहाँ पे यहीं पे आप याद करके लेके आओगे. हम 10-15 मिनट यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाऊँगी, मैं आपको दूंगी टाइम लिखने का, एंड देन फिर नेक्स्ट डे आपको चेक करके दे दूंगी. सो यही प्रोसीजर चलने वाला है. तो घर पे तो मैं नहीं करवाने वाली, ऑनलाइन वालों के लिए ये हो जाता है कंपल्शन, बट अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो तो फिर मुझे तो बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर थिंग हो जाता है. अच्छा, अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं क्वालिटीज़ वाला या एट्रीब्यूट्स वाला ये कल ही करवाती हूँ, आज फर्स्ट डे के लिए ज़्यादा लोड हो जाएगा. बट लेट मी जस्ट टेल यू, मैं ऐसे कभी भी बहुत ही ज़्यादा स्लो लर्नर को इस तरीके से, मतलब ये नहीं करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करवाऊँगी. आज क्योंकि फर्स्ट क्लास थी इस वजह से थोड़ा हुआ है, ये भी नहीं है कि ज़्यादा करवाऊँगी, इतना सेटल करवाऊँगी कि आपके माइंड में सेटल हो जाए एंड पूरा का पूरा सिलेबस उसी तरीके से कवर हो जाए. सो इस वजह से आपको जस्ट क्या करना है, डेली बेसिस पे आपका स्टडी पैटर्न ये होना चाहिए कि जो आपका, आप अपना GS का सब्जेक्ट कर रहे हो वो तो आप अपना पढ़ो, साथ ही साथ आपको जो आप एंथ्रो का बेसिकली कर रहे हो इसको आप अच्छे से याद करो. अगर इसको कोई साथ साथ पढ़ते पढ़ते अच्छे से याद करके रख लेता है ना, तो फिर वो पर्सन उस चीज़ को भूल ही नहीं सकता. तो इस वजह से आपको इसको पाइल अप नहीं होने देना है, डेली बेसिस पे करना है. डेली बेसिस पे अब बेसिकली क्या है कि आप
आपको अपने डिक्टेटेड नोट्स क्लास से ही आप याद करके जाओगे। अभी आपको माइंड में ये तो है ना, ये तो नहीं है कि क्या पढ़ा, सो इस वजह से इसको यहीं पे आपको माइंड में आ गया। अभी घर जाके जब आप पढ़ोगे, इसको एक घंटा देना है, अभी शुरू में तो एक घंटे की ही ज़रूरत है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद जो है डेढ़ घंटे में ये कन्वर्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा। सो एक दिन में दो घंटे की आपकी क्लास हो गई, एंड एक घंटा या फिर डेढ़ घंटा डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। इवन आज वाला तो आपका जाके करने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट ही लगेंगे उसमें, उतने में ही हो जाएगा। सो इस तरीके से ही आपको कंप्लीट करना है। इसके नोट्स जो हैं, क्योंकि अभी आप प्रिपरेटरी स्टेज में हो, एक या दो दिन में आपका जो फाइनलाइज हो जाएगा, तो ऐसे ही आपके जो है नोट्स आपको मैं प्रिंटेड कॉपीज मंगवा के आपको दे दूंगी। और आपका जिनका हो चुका है ऑलरेडी, तो बैच में तो उनको एक्सेस मिल ही गया, बैच में ये अभी अपलोड हो जाएगी यूनिट 2.1 की, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारा ये पूरा चलने वाला है। अगर आपको कोई डाउट हो, बस एक चीज़ चाहिए मुझे आपकी तरफ से कि आप हार्डवर्क करने का प्रोमिस दे रहे हो, पंक्चुअलिटी चाहिए बस मुझे, एंड यू सेड कि डिसिप्लिन चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। डेली बेसिस पे बस जो आपको दे रही हूँ वो उतना कर दो, उतने पे ही ट्रस्ट रखो, पूरा सिलेबस उसी से हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा उसके बाद आपको रिवीजन क्लासेस या कुछ ऐसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। सो जैसे ही आप मेरे को आपके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, तो मैं ग्रुप क्रिएट कर लूँगी, एंड देन फिर ग्रुप के थ्रू हमारा जो है कम्युनिकेशन होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाकी फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी जगह पे। ओके, थैंक यू।